हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस एंड पीसीएस में। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे की सीरीज़ और क्वेश्चन नंबर 95 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो मतलब पूछा गया है कम वर्षा वाला जो नगर है वो चेन्नई है, और अधिकांश वर्षा वाला है उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 97 में पूछा गया है कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन का जो उद्देश्य नहीं है वह है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये कर लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अधोसंरचना को विस्तृत करते हुए गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वारा खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार शामिल है, तथापि इसके तहत बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये मैचिंग है, और देखिए ये दिए गए हैं दशक, और ये दिया गया है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर अगर आपको इसका आइडिया हो तो ही इसे डायरेक्ट करके आइएगा, बाकी इसके अंदर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसका जो सीधे सीधे आंसर है वो है 2001 से 2011, और ये जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 19.5। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो वो आपका है 2001 से 2011 19.05, ये इसका नहीं है। तो 2011 के जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है वो 19.05 नहीं है, बल्कि 17.7 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सही है, तो सही को भी याद रखना, बिकॉज सही या गलत इस तरह से कंफ्यूजन में क्वेश्चन आएगा यही, लेकिन उसमें चेंजेस हो सकता है कि वो सही पूछ लें। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने गलत देखा था, तो सही आप याद रखिए तो गलत खुद ब खुद मिल जाएगा। तो 2001 से 11 के दशक में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो देखी गई है, परसेंटेज में बात करी जा रही है प्रतिशत में, तो वो है 17.7 यानी 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? ठीक है, तो अब ये विकास का देख लेते हैं अधोसंरचना के लिए। तो इसके अंदर आपका है स्वच्छ भारत मिशन दिया गया, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना और डिजिटल भारत योजना। तो देखिए ये डी वाला इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी ये आ जाएंगे। ठीक है, उसने पूछा था कौन सा इसके अंदर सम्मिलित नहीं, मतलब योजना नहीं है। ठीक है, जो योजना नहीं थी तो वो कौन सी वाली, क्योंकि इसमें जो बात करी गई है ये तो भारत मिशन से, तो ठीक है सिटी डेवलपमेंट भी इसमें आ जाएगा, ऑगमेंटेशन और स्मार्ट सिटी योजना भी आ जाएगा, जबकि डिजिटल भारत योजना जो है वो आप सभी जानते हैं डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो इसके अंदर मतलब इसकी जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन का, शहरी घटक शहरों में स्वच्छता एवं सफाई तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संरचना के विकास से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 100th क्वेश्चन, और इसके अंदर है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो शांता कुमार है, सी रंगराजन है, वाई वी रेड्डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप जरा भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वाई वी रेड्डी आप इसका आंसर 1 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। ऑप्शंस में यही फायदा होता है, अगर आपको आता है तो बहुत कम टाइम लगता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये है आपका 2008 ए। तो इसके अंदर जो है आपका राष्ट्रीय भूमि अभिलेख का जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वो था 2010, ठीक है ईस्वी। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भारत में वर्ष 2009 से 2010 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है आपको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। भारत में वर्ष 2009 से 10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंदर आती है? वो आती है जो ये सेकेंडरी स्टेज, वो आती है आपकी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, इसे इंग्लिश में IEDSS भी कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। चलिए
आगे बात कर लेते हैं 103, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ करी गई थी फ्रेंड 2010 में, तो 2010 ईसा इसका आंसर हो जाएगा। 104 में देख लेते हैं, 2005 से 2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो जो नहीं है वो बताना है। और भारत निर्माण में देखिए ग्रामीण आवास है, ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल और ग्रामीण सड़क। ठीक है, 5 से 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना के अंदर जो योजना का जो अंग है वो है ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क, जबकि ग्रामीण स्वच्छता इसमें नहीं थी। भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं, ग्रामीण अवसंरचना हेतु सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार संपर्क। ग्रामीण स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखना। 105 में जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र, ठीक है, जो 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी वो होगी 29 यानी 29 वर्ष। आर्थिक समीक्षा अगर 14 से 15 जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत विश्व का सर्वाधिक युवा राष्ट्र, विश्व में न्यूनतम औसत आयु 29 वर्ष के साथ का आकलन व्यक्त किया गया है। इसके बाद में देख लेते हैं 106, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये है आपका अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, अर्ध क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं अर्ध शहरी, उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो जिन्हें किया जाता है वो हैं सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। 107 में 2014 से 15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास है। ठीक है, तो भारत देश के निर्यात में जो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास है वह है आपका 5 से 6%। 2014-15 की बात हो रही है। ये घाटे की 108 में देख लेते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, ये इसका प्रभाव पड़ता है। जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अगर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर देखें कि क्या इंप्रेशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, तो वो होता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटे की पूर्ति हेतु वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त नोट निर्गमन के द्वारा होती है, जिससे मौद्रीकरण होता है। 109 में पंचायत में से किसे किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो अब इसमें देखो फ्रेंड्स, ये दिया गया नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो अब इसमें से कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जो शामिल होते हैं वो होते हैं तीनों, यानी कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीनों ही उत्तर प्रदेश में जिला योजना में नगर पंचायतों में ग्राम पंचायत पंचायतों क्षेत्र पंचायतों में जिला पंचायतों, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। टेन में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए जो पात्र है वो है 6 से 14 वर्ष का। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि जो है वो है 2015 से 2022। इसके बाद में हम बात कर लें 112 की, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, और है आपका ये डी में है आपका फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपका आंसर सी, साग सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसके अंदर नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसमें है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, और है आपका फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद में आ जाइए 113 पे, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है फ्रेंड्स यूपी के अंदर, तो वो कहाँ पे है? वो है खतौली। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है उत्पादन भंडारण क्षमता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। यह चीनी मिल त्रिवेणी समूह की है।
तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, रिपीटेड है क्वेश्चन, बार बार आता है, तो इसे याद रखिएगा। 114 को देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ। अब इन तीनों को लगाना है सीक्वेंस में कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। तो पहले हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद में आपका हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था, उसके बाद में हुआ गरीबी हटाओ। इसके बाद आ जाते हैं हम 115 में, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग जो है उसका सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 116 की, ई बिज संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से, या विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से, या सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। तो देखिए ई बिज जो संबंधित है वो है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। 117 में देखिए, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है, तो वो की है केलकर समिति ने। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में जो उपलब्ध आयकर को छूट की बात जो करी गई है समाप्त करने की, और उसकी जो सिफारिश की गई वो किस समिति ने, वो करी केलकर समिति ने। चलिए बात करते हैं 118 की, तो 118 के साथ सम्मिलित करिए सूचियों के नीचे के, तो देखिए ये दोनों को मैच करना है, विटी कल्चर है, वेजी कल्चर है, पिसी कल्चर है और ओलेरी कल्चर है, ठीक है। तो आपने अगर आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, इधर 14, अब देखिए जिसके अंदर आपको लगे जैसे विटी कल्चर है, तो विटी कल्चर को आप लोग ज़रूर जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देना, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी ये रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए मैं इधर बता दूँ आपको, थोड़ा अलग अलग हो गया है एक्चुअली, अब ये देख लो आप, जैसे कि इधर देख लेते हैं हम, ए वाला जो है विटी कल्चर वो मैच करेगा अंगूर की खेती से, तो ए का 4 अब किसके अंदर है, एक तो बी में है, एक डी में है, ठीक है। तो विटी कल्चर हमें पता है अंगूर की खेती से है, उसके बाद अगर हम बात कर लें किसी एक और को देख लेते हैं, दो को देखेंगे तो पता पड़ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए आप, एक है इसके अंदर पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन से रिलेट करता है, तो इसका आपका सीधे सीधे मुझे आंसर दिख रहा है ये, क्योंकि ये सी के अंदर, एक बार और देख लेते हैं ऊपर, सी का आपका होना चाहिए क्या 2, तो इसमें है डी में भी सी का 2 है। वेजी कल्चर देख लेते हैं, तो वेजी कल्चर आपका मैच करता है वृक्षों की कृषि से, तो हमें ये पता, और मान लीजिए हमें ये पता है, विटी कल्चर भी हमें पता ही था, तो हमें नहीं पता ओलेरी कल्चर सपोज़, या दो पता है और दो नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पीसी कल्चर हमें पता है मछली पालन, वेजी कल्चर वृक्षों की कृषि है, और विटी कल्चर अंगूर की खेती से रिलेट करता है, तो आपका जो इसके अंदर आंसर दिख रहा है 432 ये है बी, और इसके अलावा 43, हाँ तो ये डी वाला, अब ये वाला आपका गलत हो गया, अभी तक इसी से कंपटीशन चल रहा था, जबकि ये ऑलरेडी आउट हो चुके थे पहले ही। तो हम अगर अब अपना आंसर देखिए तो वो हो जाएगा आपका ये बी वाला, ठीक है, ये आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में आ जाइए 119, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। और बात करें 120 की, तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, ठीक है, तो ये जो प्रकाशित हुई प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वो है 2008 ईसा में, तो ये है आपका NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी सन 2008 में।
वन टू वन की बात करें तो निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप और विद्युत तापमापी को हम पायरोमीटर कहते हैं। जो ताप और विद्युत ताप का मापी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पायरोमीटर। 1.2.2 में डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, तो ये है आपका इसके अंदर सही ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें देख लीजिए नेक्स्ट, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो वो है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की जो गति है उसको नापा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, 1.2.4, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है फ्रेंड्स, वो है O2। आप सब बहुत जल्दी इसे देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ पूछी गई है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको नंबर देने के लिए ही ये बनाया गया है। बाकी इसमें ये बात ध्यान रखना मत भूलना कि CO2, NO2 और CH4 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि इनको मत भूल जाना क्योंकि एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं कम से कम। 1.2.5 में देख लीजिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं कौन से वाले? सौर सेल। तो सौर सेल को क्या कहते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल। और प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल। 1.2.6 में देखो, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वो है आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा यानी कि विंड पावर। तो वायु शक्ति या पवन ऊर्जा जो है विंड पावर में वायु की गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र के वहद पंखों को चलाती यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर है, जिसे टरबाइन से जोड़कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो जो आप वो चलते चलते कहीं ट्रैवल में आपने देखा होगा, तो वो क्या होते हैं? वो विंड पावर टरबाइन को सर्कुलेट करते हैं और उससे क्या होता है, टरबाइन से जोड़कर उससे विद्युत ऊर्जा यानी कि कैसी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी उसे प्राप्त किया जाता है। तो ये है आपका विंड पावर के बारे में। 1.2.7 को देख ले, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये स्पष्ट दृष्टि के लिए जो स्वस्थ आँख की जो एक सामान्य मानव की सामान्य जो आँख के लिए कहते हैं हम दूरी, न्यूनतम दूरी, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं 1.2.8 की। तो क्वेश्चन नंबर 1.2.8, उर्वरक की के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी हो जाता है, क्योंकि मृदा प्रदूषण होता ही है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। इसके बाद बात करें तो 1.2.9, निम्नलिखित कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं? तो इसके अंदर धान का खेत दिया है जो कि इसका सही आंसर है। इसमें वन, घास का मैदान और झील भी दिया गया था जो कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 1.3.0 की। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी, हैवी वाटर, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का जो हैवी वाटर का उपयोग विमंदक यानी उसे मॉडरेटर के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम हैवी वाटर। और ये है आपका तथा प्रशीतक, कूलेंट दोनों की तरह से किया जाता है, मंद करने के लिए और कूलेंट के लिए दोनों का काम किया जाता है, उसे कहते हैं हम हैवी वाटर। तो ये आप ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह जो काम कराता है कूलेंट और उसका मॉडरेटर का काम जो करता है वो करता है हैवी वाटर यानी कि भारी पानी। 1.3.1 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो वह है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन, कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा जल्दी से हमारे जो रक्त हीमोग्लोबिन में घुलता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बहुत ही खतरनाक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, 1.3.2, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, लौहयुक्त और यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये है आपका इसके अंदर देखिए, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो ये नहीं करता है, बाकी ये तीनों सही है क्योंकि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रक्त में ऑक्सीजन संचार करता है, लौहयुक्त और यौगिक है। तो ये तीन तो सही है, इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो वो करता है ब्रह्मांड के उद्भव की, बिग बैंग थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स में काफ़ी सारी क्वेश्चन बहुत आए हैं उसमें। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है
तो वो किया जाता है सिनकोना की छाल से किया जाता है, ठीक है। मलेरिया का जो रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण है वो सिनकोना की छाल से करते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, ठीक है, बेस सीक्वेंस। इसके बाद में देख लेते हैं हम नेक्स्ट 136। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों द्वितीयक उपभोक्ता फूड चेन के अंदर। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो वो है प्राकृतिक आवासीय विनाश, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनके लिए तो जगह है नहीं, प्राकृतिक आवासीय विनाश हो रहा है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो जैव विविधता जो है उसका इसीलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति यानी कि IUCN द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तुत रुझानों के अनुसार विलोप के कगार पर पक्षियों का 89%, स्तनपाई जीवों का 83% तथा संकटापन्न पौधों का 91% पहले ही आवासों के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित हो चुका है। बात करें 138 की, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है गेहूँ अंकुर का तेल। यानी विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर का तेल, वीट जर्म। इसके अंदर 139, कैफीन शार्ब उपस्थित है केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी दोनों में, नींबू और पानी दो है जो कि वो है चाय और कॉफी दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 140 की, ये देखिए व्याख्या में दिया है एल्कोइड कैफीन यानी कैफीन शराब चाय और कॉफ़ी दोनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोकोआ, मैट, रिलैक्स, पैराग्वेरेंसिस, कोला नट्स तथा कुछ दूसरे पादपों में भी पाया जाता है। औसतन चाय की पत्तियों में भार अनुसार 3% कैफीन होती है, जबकि अरेबिका कॉफ़ी में औसतन 1.2% और रोबास्टा कॉफ़ी में औसतन 2.2% कैफीन पाई जाती है। 140 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, बहुत बहुत आता है ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है, यानी कि NDRI हरियाणा के करनाल में स्थापित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मूलतः इस संस्थान की स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी तथा 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे वर्तमान नाम दिया गया। 1955 में NDRI का मुख्यालय करनाल स्थानांतरित हुआ। 142 में मानव सदृश लघुतम कपी है, तो वो है गिबन। मानव सदृश लघुतम कपी गिबन हैं, ये लघु कपियाँ स्मॉलर एप्स की श्रेणी में आती हैं तथा ये वृहत या महाकपियों चिंपैंजी, बोनोबोस, गोरिल्ला एवं ऑंगस्टोन और ऑरैंगउटान से आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। अभी देख लेते हैं 143, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं, तो वो हैं फ्रेंड ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और कैलोरेमिन। तो ये तीनों ही काम आते हैं जीवाणु युक्त जल को क्या करते हैं, ये मुक्त करने के लिए काम आते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, ये युक्त नहीं है, मुक्त है। तो मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तो ये है उपयुक्त तीनों के लिए, ठीक है, ये सभी काम करता है। 145 में देख लेते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वो करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे प्रश्नगत अधिनियमों में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्य जीवों, पक्षियों और पादपों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये जो अधिनियम है आपका, इसे याद रखना, अधिनियम 1972। 146, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक तत्व है, पौधे इसे मिट्टी से मुख्यतः नाइट्रेट NO3 लवण के रूप में प्राप्त करते हैं। 147 में बात करें तो किस युग्म में से सम्मिलित नहीं है को देखना है जो गलत है, तो इसमें देख लेते हैं हम कौन सा, थायमिन बेरी बेरी, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल से होता है एस्कर्वी, ठीक है, विटामिन ए से वर्ण आर्द्रता, ये गलत है फ्रेंड, ये सही मैच नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है यानी कि वो रतौंधी का रोग होता है, और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक अनुवांशिक रोग है।
ठीक है। और विटामिन के से अगर देखिए रक्त का जमना, ठीक है रक्त का जमना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। 148 में ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसमें अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, तो इसका डी हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं WBC में असामान्य वृद्धि होने लगती है। 149 जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। देखिए बुलीमिया कहते हैं इसे, बुलीमिया से, बुलीमिया नर्वोसा या बुलीमिया से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। इसके विपरीत एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति अल्प वजन के होते हुए भी वजन बढ़ने के भय और दुबला रहने की प्रबल इच्छा, जैसे कि फ्रेंच महिला मॉडलों में देखा गया है, के कारण बहुत अल्प मात्रा में भोजन करते हैं। 150 और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो है फ्रेंड ओ, यानी कि ओ समूह का, ओ ग्रुप का। तो ये अगर ओ ओ ग्रुप का होगा तो वो क्या है, मानव रक्तदान कर सकता है समूह को किसी भी, ठीक है। और बात करें हम रक्त सामूहिक सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ए भी रक्त रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है, यानी कि ओ समूह ओ ग्रुप वाला जो है वो किसी को भी यूनिवर्सल डोनर होता है दे सकता है, और ए भी रक्त समूह वाला जो होता है वो किसी से भी ब्लड उसको डोनेट किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट, और इसके अंदर हमने 5 इसके अंदर बनाए, ये 5th थी लास्ट वन। तो 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे उसमें हैं, आप इन्हें जरूर रिवाइज करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और लेके आएंगे हम नई वीडियो, नए सॉल्व पेपर सेट करंट अफेयर्स के साथ में, तो बने रहिएगा। और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और लाइक का बटन ज़रूर ज़रूर दबाइएगा जिससे कि हम और भी वीडियोस को बहुत ही जोश के साथ में बना सकें और आपके साथ में हम आप मिल करके पढ़ें और अच्छे से रिजल्ट में नंबर ला सकें। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।